हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में शिक्षा कॉर्नर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल, टाइटल और अभी जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उससे आपको समझ में आ गया होगा, तभी आप इस वीडियो में आए। तो आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो 3 मिनट आपका या 4 मिनट, जो भी जितना टाइम लगेगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आराम से बैठ जाएँ, ध्यान से सुने। ठीक है, ये एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है, पर आप बशर्ते आप बस इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, यहाँ जो लिखा हुआ है फेल्योर टू टॉपर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे फेल्योर का बात कर रहा हूँ, बस आप समझ सकते हैं अभी आपके कंडीशंस को कि अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या क्या आपको और करना चाहिए। ठीक है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, तो एक चीज़ और बता दूँ कि नो वन इज़ बॉर्न एज टॉपर, कोई भी टॉपर्स बचपन से नहीं होता है ना। तो कुछ टॉपर्स के हैबिट्स से क्या वो करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1 कोई नहीं लाता है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही ऐसा होता है कि उसको लिखा हुआ रहता है कि वो ऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाएगा, AIR 1 ही लाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उसमें उसकी बहुत सारी मेहनत छुपी हुई होती है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजी छुपी हुई रहती है, तो वही चीज़ सब चीज़ को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा प्लानिंग। ठीक है, टॉपर्स करते हैं क्या है, तो प्लानिंग करते हैं। आपका डेली गोल क्या है, गोल ऑफ द डे क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोल ऑफ द डे जब आप कंप्लीट करोगे, आपको लास्ट में आपको ये देखना है कि आपको क्या किस किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको कि गोल पूरा करने में आपको किस किस चीज़ कौन ऐसा क्या चीज़ है जो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, गोल पूरा नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, ज़्यादा मोर फ्रेंडशिप या फिर सोशल मीडिया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, या कोई गेम हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना, अगर आपको गोल डेली गोल आपका पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो हमें हर मंथ का एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इस मंथ में हमारा ये टॉपिक, इतना टॉपिक ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और क्या पर वीक्स की, इस वीक्स में फर्स्ट वीक में हम ये कवर करेंगे, सेकेंड वीक में ये कवर करेंगे। ठीक है, डेली डेज का, ठीक है, पर डे का होना चाहिए, पर आवर की, इस टॉपिक में हमें इतना टाइम लगेगा, इतना आवर लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा। ये सब चीज़ के साथ आपको ये ध्यान देना है कि क्वालिटी ऑफ स्टडी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जो स्टडी कर रहे हैं वो क्वालिटी होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि टाइम देख रहे हैं, बस 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, वो नहीं, स्टडी में क्वालिटी होना चाहिए। थर्ड टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन तो ये चीज़ है कि चलिए रिस्पेक्ट करना वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, स्टिक टू प्लान। ठीक है, अपने जो प्लान बनाया है, ठीक है, आपने जो कसम खाई है, प्लान बनाई है, ठीक है, उस पर आपको स्टिक रहना है। ठीक है, वही प्लान को फॉलो करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं, उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो वही यही यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन यही है। आपका नेक्स्ट क्या है, अटेंडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो ठीक प्ले करता है, ठीक रोल प्ले करता है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा डेली अटेंडेंस बनता है, तो हमें डेली स्कूल जाना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमें अटेंडेंस बढ़ रहा है तो कॉलेज जाना होता है, पर अब क्या है, नॉन स्कूलिंग हो गया उस कॉलेज। ठीक है, तो आप कॉलेज जाओ नहीं जाओ कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, और फिर क्या है, अब ये देखोगे कि ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ पर अटेंडेंस का बस यही मतलब है कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका गोल वो है, अगर आपका गोल कुछ दूसरा है, उसमें कुछ क्लासेस है आपके, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस, तो आपको एक भी टॉपिक को, एक भी क्लास को मिस नहीं करना, आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि ये टॉपिक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या पता वही जाके आपके आपको आगे प्रॉब्लम खड़ी करते। ठीक है, तो ईच क्लासेस इज इम्पॉर्टेंट, जितना क्लास है ईच क्लास इज इम्पॉर्टेंट, नेवर स्किप एनी क्लास, कोई भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट रीडिंग मटेरियल। ठीक, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, ठीक है, जो टॉपर लोग बनते हैं, ठीक है, टॉपर्स नहीं होते, जो लोग बनते हैं टॉपर, वो क्या करते हैं, वो कुछ मटेरियल जो है उनका, टू मच मटेरियल को आपको क्या करना है, टू मच मटेरियल को
फॉलो नहीं करना है कि ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ठीक है। तो ये तो स्कूल बच्चे, ये जो टॉपिक मैंने बताया स्मार्ट स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्मार्ट रीडिंग मटेरियल, तो ये स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। जो कंपटीशन जो हम फेस करते हैं, कंपटीशन के जितने सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो हम टू मच मटेरियल उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको स्मार्ट रीडिंग मटेरियल आपको पहले एनालाइज करना है, ठीक है, कि क्या हम चूज़ करना चाहिए, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, तो वो यूज़ करके आपको बस उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। और क्या है, क्लियर डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं करिए, ठीक है। क्या चीज़ है, अगर आपके माइंड में एक डाउट आता है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें डाउट आ रहा है, तो वही चीज़ तो है मैन, कि आप जितना डाउट क्लियर करोगे वही तभी क्या होगा कि आपका वो टॉपिक या तो आपका चैप्टर क्लियर है ना। तो इट इज़ अ की फॉर कंप्लीटिंग एनी टॉपिक और चैप्टर, कोई चैप्टर को और टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये की है कि आपको डाउट को क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका क्या, अंडरस्टैंड मोर मेमोराइज लेस, ठीक है। अधिकतर क्या देखा जाता है कि आप जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप करते क्या है लोग, कि लोग मेमोराइज करते हैं, याद करना स्टार्ट करते हैं, कि याद करो उसको, मेमोराइज रटना स्टार्ट करते बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, समझना है उस चीज़ों को, तो आप जब अगर समझते हो तो आप समझ रहे हो उसको, तो वो क्या होगा आपके पास ज़्यादा दिन तक रहेगा या हमेशा के लिए बोल सकते रहेगा। फॉर कीपिंग अ टॉपिक फॉर अ लॉन्गर टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड इट रैदर देन मेमोराइज। अंडरस्टैंडिंग ए फॉर्मूला इज बेटर देन मेमोराइजिंग इट, ठीक है। फॉर्मूला को समझना बेटर है किससे, मेमोराइज करने से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट गाइडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, सीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे का हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको एक राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि आप, हाँ ठीक है, सुबह यहाँ पर बहुत जन का क्वेश्चन होगा कि हम अब सेल्फ स्टडी से कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो सेल्फ स्टडी से आप कर रहे होगे फिर भी आपको एक गाइडेंस चाहिए होता होगा कि आपको किस वे में जाना है, ठीक है। तो या तो आप वहाँ कोई टीचर से, ऑनलाइन टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हो, या कोई कोचिंग से गाइडेंस ले सकते हो, या तो अपने क्लासमेट जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है पहले से उससे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको क्या मिल जाता है, टीचर्स का गाइडेंस, क्लासमेट का गाइडेंस, ठीक है, और क्या है, सीनियर्स का गाइडेंस, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग कोचिंग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, आपको इतने यूट्यूब में आपका इतना गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी नहीं है आपको कि कोचिंग ही ज्वाइन करना है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं। राइट गाइडेंस के लिए आप कहीं भी, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे जो टॉपर्स हैं या तो बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने वीडियो बना रखा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टेस्टिंग योर प्रिपरेशन रेगुलरली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो आपको उस समय समझ में नहीं आएगा, कि आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा मुझे सब पता, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे खुद को तब जाके आपको एक्चुअल, आपको खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप किस पोजिशन में हो, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तब आप जाके कर पाओगे, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करोगे रेगुलरली, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करोगे, ठीक है, कि क्वेश्चन खुद से पूछोगे या कैसे भी आप टेस्ट करोगे अपने आप को, ठीक है, तो वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलेगा खुद में, कि हम यहाँ प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यही चीज़ें जो ये प्रीवियस पॉइंट था आपका, टेस्टिंग योर प्रिपरेशन रेगुलरली, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी, ठीक है। एग्जाम सिमुलेशन और क्या है कि रेगुलर टेस्ट सीरीज, ठीक है, आपको ये करते रहना, एग्जाम दिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज दिए, तो इससे क्या पता चलेगा, नोइंग योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन का लेवल किस लेवल पे, क्या आप ऑल इंडिया रैंक लाने के लेवल पे हो, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लेवल पे हो, ठीक है, कट अप पार कर पाओगे, ठीक है, टाइम मैनेज आपसे हो रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पता चलेगा, और उसी को इम्प्रूव करना है आपको, और कुछ नहीं करना है ना। और क्या है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है, कभी भी आपको एग्ज़ाम के लिए नर्वस नहीं होना है, ठीक है, नर्वस नहीं हो रहा, बहुत लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम के लिए नर्वस हो जाते हैं कि आज एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम आने वाला, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रामबाण, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट है पर एक्सेस नहीं करना है,
मंथली आपको एक दिन दो दिन कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है, कि ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोगों के जो डाउट है आप सॉल्व करोगे, आपके डाउट लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा एक इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। ये चीज़ सॉल्व करना, गप नहीं करना वहाँ जाके। कॉन्स्टेंट रिविजन, रिविजन आपको कॉन्स्टेंट करना है। जो आपने कोचिंग में पढ़ा घर आके तुरंत रिवाइज कर लो, संडे में जितना आपने 7 डेज 6 डेज में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। तो ये हो गया कॉन्स्टेंट रिविजन करते रहना। लास्ट मंथ प्रिपरेशन, लास्ट मंथ मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 मंथ, लास्ट 4 मंथ बोल सकते हैं। आपने 2 साल तैयारी की, 3 साल कोई चीज़ की तैयारी की है, ठीक है, तो लास्ट 4 मंथ में आपको क्या करना है, लास्ट 4 मंथ में आपको एक प्लान बनाना है कि आप जितने जितना पढ़े हो सबको आप उसका क्या करो, रिविजन करो, है ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, रिविजन करो उसका। ये चीज़ हो कि आप बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में बिलीव लाना बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपर्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी मानते हैं टॉपर, वो उस उनको आपको देख के लगेगा वो खुद में इतना बिलीव करते हैं कि हाँ मेरे से हो जाएगा, जरूर होगा, ठीक है, मुझे ही कर मुझे करना है। और क्या है कि ट्रीट योर सेल्फ ओकेजनली, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, तो आप कोई चीज़ से ना बोर हो जाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ से। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है कि आप अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आप बोर हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा फन के लिए, मतलब कि मंथली बोल सकते हैं या ना या वीकली बोल सकते हैं, 2 वीक में 1 टाइम्स क्या कर सकते हो आप, थोड़ा बाहर घूम सकते हो, मार्केट चले जाओ, शॉपिंग चले जाओ, है ना, शॉपिंग नहीं सिनेमा हॉल चले जाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ चले जाओ, यहाँ आप कहीं भी जा सकते हो, प्ले ग्राउंड जा सकते हो, खेल जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा वो चीज़ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप खुद, आपका बॉडी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपने टोटल प्रिपरेशन कर लिया, गाइडेंस अच्छा, जितना मैंने अभी बताया आपने सब कर लिया, आपका बॉडी हेल्थ ही खराब हो गया, तो आप कैसे एग्जाम दोगे, सब कुछ चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को बहुत क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जितना चीज़ आप हमने देखा, ठीक है, तो फेल्योर टू टॉपर आपको ये चीज़ पहुँचा सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। और एक बात, और आपको और कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, बाकी सबकी हेल्प होगा, सबको हेल्प होगी। तो एक चीज़ बाद में दिमाग में डालिए, अगर आप फेल्योर हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं, मतलब कि जैसा आप पहले पढ़ रहे थे आप नहीं पढ़ पा रहे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपके अपने हैबिट्स में सुधार लाना है, ठीक है, अपने हैबिट्स में सुधार लाना। आपने एक देखा होगा कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया, है ना, जीतू भैया ने बोला था, क्या बोला था, कि 21 दिन तक अगर आप कोई आदत, कोई चीज़ को करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताया उसको आपको 21 डेज मात्र करना है ना, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। तो यहीं तक बात करते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक टिप्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।